नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में संजय राउत को भी काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुननी पड़ी, जब दो जजों की बेंच ने संजय राउत के उस मामले की आज सुनवाई की और उस सुनवाई के दौरान कंगना रनौत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए शब्दों पर कोर्ट ने आपत्ति जताई है। सीधे तौर पर यह कहा है कि जो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंगना रनौत ने महाराष्ट्र का अपमान किया, मुंबई का अपमान किया, आप महाराष्ट्रियन हैं, हम भी महाराष्ट्रियन हैं और महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं, हमारे लिए हमारे प्रदेश का, देश का सम्मान बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो गैर जरूरी था और निंदनीय था, ये कहना है। महाराष्ट्र की जो शिवसेना है उसके खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट की एक बेंच का, इस बेंच में आर एल छागला और जस्टिस कठवाला हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि संजय राउत ने जो कुछ कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता। संजय राउत इस मामले में जिस तरीके से बोले हैं वो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मराठियों के सम्मान में बढ़ोतरी नहीं करता है, बल्कि उस पर एक धब्बा लगाने का प्रयास है। ये जो सुनवाई चल रही थी वो कंगना रनौत द्वारा बीएमसी के खिलाफ डाली गई याचिका पर थी और इसमें कंगना रनौत ने 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। इसको लेकर बीएमसी की तरफ से तमाम तर्क देने की कोशिश की गई, लेकिन पूरे मामले में जो वीरेंद्र सराफ कंगना रनौत की तरफ से वकालत कर रहे हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ जिस तरीके से कंगना रनौत ने, अगर ये जो बीएमसी आरोप लगा रही है और उसमें बार बार ये पूछा जा रहा था कि निर्माण कब हुआ था, तो जनवरी में ये निर्माण पूरा हो गया था। इसको लेकर कोर्ट ने यह पूछा कि जब जनवरी में यह सब पूरा हो गया था तो बीएमसी को देखने में इतने महीने क्यों लग गए, इसके पीछे क्या वजह थी, किस बदनीयति की वजह से बीएमसी ने डिमोलिशन यानी कि तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। इसको लेकर बीएमसी के उस अधिकारी के तरफ से भी वकील ने अपनी बात रखी और ये कहने की कोशिश की कि जब हमें पता चला हमने तभी कार्रवाई की, इस कार्रवाई से संजय राउत की धमकी का कोई मतलब नहीं है, संजय राउत ने कोई धमकी नहीं दी थी, उन्होंने तो केवल समझाने के उद्देश्य से ऐसा कहा था। तो इस पर भी कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की और ये कहा कि इस तरीके से किसी को नहीं समझाया जाता है और हम पहले ही कह चुके हैं कि आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है लोगों के अवैध निर्माणों को लेकर, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जो निश्चित तौर पर आपके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है आपकी कार्रवाई के ऊपर और आपकी नियत के ऊपर। कंगना रनौत की तरफ से वीरेंद्र सराफ ने यह बात भी रखी कि उन्होंने जो भी उसमें तब्दीली कराई थी उसको लेकर एप्लीकेशन लगाया था और जिस दिन बीएमसी वाले तोड़ने आए थे उस दिन भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें मौका दिया जाए और हम इसमें सुधार करके या इसको अप्रूवल भी करा सकते हैं, लेकिन बीएमसी ने हमारी बात को नहीं माना था। इसके अलावा कंगना रनौत की तरफ से कहा गया कि अगर मैंने टॉयलेट को मॉडिफाई करके, टॉयलेट को बदल के स्टडी रूम बना दिया या रूम बना दिया है तो इसमें कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन नहीं है या स्ट्रक्चरल तब्दीली नहीं है, जिसको लेकर के बीएमसी आपत्ति जताती है। और वास्तव में कोई भी जो नगर निगम होता है या नगर पालिका होती है वो ये देखती है कि उस जो भी बिल्डिंग में निर्माण हुआ है या पहले जिसकी अप्रूवल मिली थी और बाद में जो तब्दीली की गई है अगर उससे कोई स्ट्रक्चरल बदलाव आया है, कोई आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव आता है, उसकी सुरक्षा में कमी आती है, तब कार्रवाई बनती है, न कि केवल किसी पूजा स्थान या स्टोर को पूजा स्थान बना देना या फिर किचन की जगह पर बैठने की जगह बना देना, ये कहीं से भी तब्दीली नहीं है। निश्चित तौर पर यह बदनीयति की कार्रवाई थी जो बीएमसी ने की और इस सब के पीछे उकसाने का काम संजय राउत की तरफ से किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार लगती है लेकिन बीएमसी और शिवसेना फिर भी नहीं सुधरती और जिस तरीके से अब बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के पड़ोसियों को धमकाया जा रहा है, यह निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, जो खींचतान चल रही है, यह इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। और इसके पीछे की वजह भी है कि कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके से एक सपोर्ट को बढ़ाने का काम किया, लोगों को इसके लिए लड़ने के लिए खड़ा किया,
हालांकि रिपब्लिक टीवी और दूसरे लोग भी लगे हुए थे, लेकिन कंगना रनौत की वजह से भी काफी लोग इसके प्रति जुड़े और इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार कंगना के प्रति नाराज है। उसको ये लगता है कि अगर कंगना रनौत रिपब्लिक टीवी जैसे लोग नहीं होते तो शायद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस जो लीपापोती कर रही थी वो हो चुकी होती और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल नहीं उठते, उद्धव ठाकरे पर सवाल नहीं उठते और बेबी पेंगुइन पर भी सवाल नहीं उठते, जिसके बचाव में संजय राउत को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। संजय राउत को गालियां तक देनी पड़ रही हैं, संजय राउत और शिवसेना को धमकियां तक देनी पड़ रही हैं। और ये जो पूरा मामला है वो भी अब सीबीआई और एनसीबी की जांच के द्वारा जल्द ही उसका निष्कर्ष भी निकलेगा, उसके जो अपराधी हैं उनके नाम भी सामने आएंगे और इसी वजह से जो किरकिरी हुई है महाराष्ट्र सरकार की उससे बौखलाकर महाराष्ट्र सरकार ने अब बीएमसी को पूरी तरीके से उन लोगों के खिलाफ लगा दिया है जिनको कि लगता है महाराष्ट्र सरकार को कि उनकी वजह से उसकी किरकिरी हो रही है या जो भी महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा रहा है बीएमसी उस पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कंगना रनौत को निशाना बनाया गया, उसको लेकर वो कोर्ट में गई लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार न तो सुधर रही है और ना ही अपनी गलती मानने को तैयार है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि नाजीवाद फांसीवाद की बजाय अब सेनावाद कहना पड़ेगा, उद्धव या ठाकरे बाद कहना पड़ेगा या फिर महाअगाड़ी बाद कहना पड़ेगा, जिसका सीधा मतलब है कि आप अगर लोकतांत्रिक बात करेंगे, आप अगर सरकार से सवाल करेंगे, आप अगर नेताओं की गलतियों पर सवाल उठाएंगे, सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाएंगे तो आपका हश्र वही होगा जो बीएमसी और शिवसेना लोगों के साथ कर रही है। और जिस तरीके से कंगना रनौत, महाराष्ट्र सरकार, संजय राउत इन सभी के बीच में तनातनी चल रही है, उस कड़ी में आज कंगना रनौत ने फिर से बड़ा हमला बोला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर। आज कंगना रनौत ने साहिल चौधरी नाम के एक व्यक्ति जिसको कि हिरासत में ले रखा है महाराष्ट्र की पुलिस ने, उसकी मामले को उठाते हुए कहा कि मुंबई में किस तरीके का गुंडाराज चल रहा है और इस गुंडाराज के लिए कोई भी देश के सबसे ज़्यादा नकारा, सबसे ज़्यादा निकम्मे मुख्यमंत्री से कोई भी सवाल क्यों नहीं पूछा है, ये किस तरीके की गुंडागर्दी है कि एक व्यक्ति को केवल सवाल पूछने की वजह से, महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाने की वजह से हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मेरे खिलाफ़ इतना कुछ बोला गया था, मुझे हरामखोर तक कह दिया गया था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा था। इसके बाद कंगना रनौत ने एक बार फिर ट्वीट किया और इस ट्वीट की वजह यह थी कि बीएमसी ने अब कंगना रनौत के जो पड़ोसी हैं उनको डराने के लिए मैसेज दे दिया है। बीएमसी का कंगना रनौत के पड़ोसियों से ये कहना है कि अगर वो कंगना रनौत के पक्ष में बोलेंगे, महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो फिर उनके घर भी उसी तरीके से तोड़ दिए जाएंगे, ये कहना है कंगना रनौत का। और वो कह रही है कि मेरे पड़ोसी तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे लेकिन मुझे अलग थलग करने के लिए, मेरा सामाजिक बहिष्कार कराने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन कंगना रनौत का बंगले का जो ऑफिस था वो तोड़ा जा रहा था उस दिन पड़ोसियों ने काफ़ी विरोध किया था और सवाल उठाए थे, इसी को लेकर अब बीएमसी उन पड़ोसियों को धमकाती हुई नजर आ रही है। यानी कि आज जो कांग्रेस है उस और जो एनसीपी है उसके सहयोग से चलने वाली शिवसेना की सरकार पूरी तरीके से फांसीवादी रवैया अपना चुकी है। इसको लेकर कंगना रनौत ने आईएनसी यानी कि सोनिया गांधी से सवाल भी किया है कि इस पर सोनिया गांधी क्या कहेगी, जो बात बात में फांसीवाद और नाजीवाद का आरोप लगाती रहती है केंद्र सरकार के ऊपर। दरअसल वामपंथी हों या कांग्रेसी, ये हर बात में फांसीवाद का एक ताना मारते हैं लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि असलियत में फांसीवाद और नाजीवाद होता क्या है। आज जो मुंबई में चल रहा है वो वास्तव में फांसीवाद का ही एक रूप है। आज जो मुंबई में बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस कर रही है ये नाजीवाद और फांसीवाद का एक मिला जुला रूप है। नाजीवाद हो या फांसीवाद, इसमें एक ही तर्क चलता है और वो ये है कि अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आपके साथ बदले की भावना से कार्रवाई की जाएगी और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल भी इसमें किया जाएगा। ये पूरा मामला कंगना रनौत के साथ हो चुका है, साहिल चौधरी के साथ भी यही हो रहा है और रिपब्लिक टीवी के दो पत्रकारों को इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में लोअर कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी थी और सेशन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल पाई थी।
जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित कराया विधान परिषद के अंदर, वो भी अपने आप में फांसीवाद की ही एक घटना है कि आप एक तरफ प्रधानमंत्री तक पर तमाम तरीके के आरोप लगा देते हैं और महाराष्ट्र के नेता भी लगाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कहती है, जबकि पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री एक चुने हुए देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति आपकी पार्टी से, आपके नेताओं से, उनकी जो कारगुजारियां हैं, उनके जो कुकर्म हैं, उनको लेकर सवाल पूछता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। यही वास्तव में फांसीवाद है। लेकिन अब तो मैं ये कहूँगा कि जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र में जो रिसर्च करते हैं, उन्हें फांसीवाद और नाजीवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय अब सेनावाद कहना चाहिए या कांग्रेस महाअगाड़ी बात कहना चाहिए, क्योंकि ये नए तरीके की परिभाषा है। आज की तारीख में अगर कोई इसका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो उद्धववाद या ठाकरेवाद भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से अपराधियों को बचाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर फांसीवाद से भी ज्यादा आगे की चीज है। जय हिंद, जय भारत।